गाइस स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ट्रेलिंग जीरोज इन अ फैक्टोरियल और 18 मिनट का ये तो आई गेस जल्दी हो जाना चाहिए, आसानी होगा। तो देखते हैं यार, करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। और क्या हुआ, अच्छा ठीक है। सो एक इंटीजर ए गिवन है, रिटर्न द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन ए, योर सॉल्यूशन शुड बी लॉग कॉम्प्लेक्सिटी। ओके ठीक है। सो अपने को एक एक नंबर गिवन है और जस्ट अपने को मतलब एक इंटीजर आर्गुमेंट गिवन है, मतलब ए गिवन है और हमें रिटर्न कराना है कि आंसर, और आंसर क्या होगा मतलब ट्रेलिंग जीरोस। तो मतलब क्या हमसे एक्सपेक्टेड है क्या ट्रेलिंग जीरोस क्या होना चाहिए, एक सेकंड। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है यार, ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही बताना चाहिए ना। तो सो ट्रेलिंग जीरोस आर अ सीक्वेंस ऑफ जीरो इन अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर आफ्टर विच नो अदर डिजिट्स फॉलो, ठीक है। सो लाइक 1 2 3 4 4 0 3 4 0 0 है, डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ नंबर। एंड अच्छा मतलब यूं कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, मेन मुद्दा यही है ना। आफ्टर नो डिजिट्स फॉलो मतलब लास्ट में कितने डिजिट्स होंगे, मतलब जीरो जैसे ये हुआ मतलब 10200 में बीच वाला 102 वाला मतलब वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है ये एक्सपेक्टेड है ना। तो डन है यार फिर तो, ठीक है फिर मतलब हमें बस ये निकालना है कि लास्ट में कितनी जीरोज आती है, ठीक है। जस्ट इनका ये रहा। सो हमें निकालना है कि लास्ट में कितनी जीरोज आती है अगर हम किसी का फैक्टोरियल निकालते हैं तो ठीक है चलो, मतलब नहीं पता था हमें, ठीक है ना। तो लास्ट में कितनी जीरो है ये निकालना है, मेन मुद्दे की बात की है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं यार, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जरा देखते हैं एक बार कि क्या सीन होगा और कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यार पहले तो कि कैसे क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि जैसे मान लो एक अपने को 5 फैक्टोरियल गिवन था, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 होता है। सो इसके लास्ट में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो अपने को एक रिटर्न कराना है। हाँ यही तो था वो आउटपुट में भी, यही था ना आउटपुट में, ये देखो 5 का आउटपुट था 1, 4 का आउटपुट था 0 क्योंकि 24, ठीक है। तो ये सीन है। अब क्या चक्कर है यार, अब ये देखो जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल है तो ये किससे बना हुआ है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। 1 से बना हुआ है 2 से बना हुआ है 3 से 4 और 5 से, इनके मल्टीपल से बना हुआ है ना, 1 2 3 4 और ये 5 इनके मल्टीपल से बना हुआ है। तो मुझे लास्ट में देखना है कि लास्ट में जीरो कब आएगा, लास्ट में जीरो कब आएगा जब कोई 10 का मल्टीपल होगा उसके साथ, ठीक बात है। अब 10 का मल्टीपल कैसे बन रहा होगा, यहां पर तो कोई 10 का मल्टीपल नहीं है पहली बात तो, बट किसी का प्रोडक्ट 10 का मल्टीपल बन रहा है जो कि 5 और 2। तो अगर मैं काउंट कर लूं कि कितने 5 और कितने 2 हैं इस n के अंदर तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मेरे को चेक करना है कि कितने 5 हैं तो मैं चेक कर लूंगा ना इसके अंदर कितने 5 हैं, 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि एक तो 5 होगा इसके अंदर, और मैं चेक कर लूंगा कि कितने 2 हैं तो भी सही होगा आई गेस, तो यानी कि 2 2 हैं, ठीक है। अब 2 2 कैसे है, एक्चुअली ये भी एक 2 देगा बट एक्चुअली 2 2 देगा, उसके बाद थोड़ी सी बात में करते हैं कि वो 2 2 कैसे आएंगे, ठीक है। तो बट एक बात क्लियर है कि 5 है तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 भी 5 और 2 का मल्टीपल से 10 बन जाएगा, और हमने चेक कर लिया कि कितने 5 आ सकते हैं और कितने 2 आ सकते हैं, ठीक बात। पहली बात ये कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी बात इसको हटाते हैं जरा एक बार, दूसरी बात क्या है कि एक बात और देखो यार, अगर 5 है तो डेफिनेटली 2 से ज्यादा बार ही होगा, मतलब अगर मैं 10 में तक में भी जाऊं तो 10 बाय 5 कितना होगा मेरे पास 2, मतलब 10 तक में मतलब मेरे पास 5 दो बार आ रहा है, बट अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं चेक कर लूं, मतलब मुझे दोनों तो चाहिए, मतलब ये 5 आ गया ना, तो मुझे दोनों चाहिए यहां पर अपना 10 बनाने के लिए, मतलब मेरे को 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए, बट मैं क्या कह रहा हूं कि 2 ज्यादा बार आ रहा है, तो मैं ये भी काउंट कर लूं कि सिर्फ अगर 5 भी काउंट कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा ना, क्योंकि 2 तो उससे ज्यादा बार ही आ रहा है, तो मैं मिनिमम काउंट करूंगा क्योंकि मेरे को ये चाहिए कि 10 कब बनेगा, 10 कब बनेगा जब दोनों होंगे, ठीक है।
तो दोनों के लिए मैंने बताई दिया मिनिमम चेक करना है, मिनिमम फाइव है, मतलब फाइव कम बार आ रहा है, तो ये बात थी। अब एक बात समझ में आ गई कि फाइव काउंट करने हैं। अब फाइव कैसे काउंट करने हैं, इस सब को हटाते हैं। एक बात समझ में आ गई कि फाइव काउंट करने हैं, कितने फाइव आ रहे हैं, और फाइव काउंट करने का तरीका बता दिया, नंबर को डिवाइड कर दो डायरेक्ट फाइव से, तो वो बता देगा कितने काउंट है। ये तो बेसिक मैथ है, बेसिक बात है, बिल्कुल मतलब सिंपल है। बट क्या सिर्फ उतने ही फाइव होंगे यार, थोड़ा सा और डीप में जाओ इसके। मैं बोलता हूं मेरे पास कोई नंबर है 126, ठीक है, मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 टू से 10 और 5 फाइव से दे देगा 25 फाइव दे देगा ये। तो अब ये 25 फाइव मतलब 126 मतलब सिर्फ 26, चलो 1 ये लो यार, ये थोड़ा सा और बड़ा नंबर हो गया। तो मैं बात जो बताना चाह रहा हूं शायद वो समझ में ना आए, मैं बोलता हूं 25 तक कैलकुलेट करो कितने फाइव आ रहे हैं, तो ये 5 दे देगा मेरे को, समझ रहे हो। और कौन कौन से 5 होंगे, कौन कौन से नंबर्स होंगे जो 5 कंट्रीब्यूट करेंगे, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा और 25 होगा, हो गए 5 नंबर। बट क्या ये सिर्फ 5 नंबर है जिस जो 5 दे रहे हैं मेरे को, थोड़ा सा और सोच लो यार। क्यों, क्योंकि इसके ये एक्चुअली 2 5 से कंपोज्ड है, एक और 5 आएगा जो मतलब मेरे को 25 से मिलेगा। तो अगर मैं 26 को एक बार 25 से डिवाइड करके देख लूं तो मेरे को पता चल जाएगा कितने 25 है। अगर एक 25 मतलब एक 25 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फाइव्स मेरे पास कितने हो गए इस पूरे के अंदर, मतलब नंबर डिवाइडेड बाय 5 प्लस नंबर डिवाइडेड बाय 25। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा 5 है, तो वो मेरे को कैलकुलेट चाहिए ना यार, वो मेरे को टोटल फाइव्स निकालने कितने फाइव्स होंगे। तो इसके अंदर 2 फाइव है, बट ये मेरे को सिर्फ एक ही फाइव देगा, कि इसके अंदर तो एक ही फाइव है, एक बार डिवाइड हो रहा है, बट अब और ये 25 दे देगा। अब मेरे को एक स्टेप फर्दर जाना है, मान लो 126 कोई नंबर होता, 126 होता तो 25 भी क्या बोलता, मतलब 125 जैसे है, इसको हटाओ, 125 लो, तो 125 किस किस से कंपोज्ड है, 5 इंटू 5 से कंपोज्ड है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि 5 5 बोल देगा कि जी इसके अंदर 5 एक बार आ रहा है, ठीक है, 5 का काउंट एक हो गया, फिर चेक होएगा 25 से, 25 का काउंट एक बार आ रहा है, 5 इंटू 5 25। अब मुझे क्या 125 से भी चेक करना चाहिए, हाँ भाई क्यों नहीं करना चाहिए, चेक करना चाहिए, क्योंकि हमको तो 5 का काउंट चाहिए और 5 का काउंट ऐसे निकलेगा। तो ये थी यार काफी लंबी सी बात होगी, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है डेफिनेटली बहुत छोटा सा होने वाला दिख रहा होगा, तो कर देते हैं बस जल्दी से यार, अब तो आई गेस सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। एंड एक पावर ले लेते हैं और पावर को बोल देते हैं तुम 1 से स्टार्ट हो जाओ, और मैं बोल देता हूँ वाइल जो मेरा एन होगा वो लेस देन ग्रेटर देन 0 है जब तक काम करते जाओ, और नहीं एन को 0 से बड़ा रखे, नहीं एक बार देख लेते हैं, मतलब एक आंसर रखते हैं, मैं सब रैंडम हो रहा है यार बिल्कुल, जैसे मतलब बेसिक से हम अप्रोच करते हैं ना, बिल्कुल वही सीन है हमारे साथ, ठीक है। सो हम आंसर को बोलते हैं अपना, है ना, डिवाइड करके चेक कर लो कि कितनी बार 5 आ रहा है। सो आंसर में डाल लो मेरे पास क्या होना चाहिए, n by 5 की पावर सम कुछ होना चाहिए ना, तो मैं एक पावर बना लेता हूँ, पावर क्या होनी चाहिए मेरे पास, 5 की क्या पावर होनी चाहिए, इज POW फंक्शन और 5 कॉमा, और इसको p रख लेते हैं, 5 p, हर बार इंक्रीमेंट कर दो, और आंसर में क्या डाल दो, n/ पावर डाल दो, जो भी पावर आती है मेरे पास, और लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर को। ये काम करना है, ये तो बेसिक बात होगी, पर हमने क्या भी हमने ठीक करा ये एन को, तो कुछ चेंज नहीं करा ना हमने, तो मुझे बस चेक करना है कि जो पावर वाली वैल्यू है ना, इसको बाहर डिफाइन करो कि पावर जो है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, मुझे कब स्टॉप करना है, जब पावर की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाए मेरे एन से, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो कोई रहेगा ही नहीं ना, मतलब सॉरी पावर बड़ी हो जाए, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, तो मुझे आगे नहीं जाना, हाँ तो तब मुझे आगे नहीं जाना, तो मतलब जब तक ये है तब तक अंदर जा सकते हैं हम लूप के, ये बेसिक बात थी। अब चेक कर लेते हैं, एंड सही है, ठीक है यार, बिल्कुल मतलब मैंने ऐसे अप्रोच किया है कि जैसे मतलब हम सोचते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोड करने की कोशिश करी है, एंड सबमिट हो गया, सही है। तो आई गेस समझ में आ गया होगा कि हमें मतलब कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, और कैसे मतलब क्या करना है सीन, आई गेस सब क्लियर हो गया होगा।
हम इसको इसके यहाँ पे भी डाल सकते थे डायरेक्ट ऐसे ही, मतलब बना दिया हमने एक्स्ट्रा। और आई गेस समझ में आ गया होगा यार, और बस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के भी मैं लिंक्स दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे फॉलो भी कर लेना, एंड थैंक्स, बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़।